हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। आपको ये दे रखा है 3 cot A 4 के इक्वल है और आपको ये चेक करना है कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो दे रखी है, क्योंकि कॉस निकालना है, साइन निकालना है और सारे एंगल ए में हैं, तो एंगल का जो टेंशन होता है वो तो ख़त्म हो गया। देखो बेटा, पहले फिगर बनाएंगे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि हमें कॉट दे रखा है ना। ओके, हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है, देखो कॉट है इधर, 4 है ये, 3 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। आप सभी को पता होगा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। यहाँ से क्या होता है बच्चों, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट होता है कि नहीं। कॉट है तो नीचे से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो यानी कि ये मुझे बेस दे रखा है और ये मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बेस मेरे पास कितना बेटा, 4, परपेंडिकुलर मेरे पास है 3। ठीक है, ये बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर। मुझे क्या नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। नाम दे दो इसका ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, बेस हमारे पास है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर, 16 + 9 ये हो जाएगा 25, तो हाइपरटेनस हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5। हाइपरटेनस सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो 4 और 3 से बड़ी है, यानी कि बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें 10 चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, तो इनको हम अलग से पहले निकाल के रख लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं 10। 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बेटा, 3, एंड बेस हमारे पास कितना है, 4। उसके बाद हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए साइन है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेनस हमारे पास है 5। फिर हमें चाहिए कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है 4 एंड हाइपरटेनस हमारे पास कितना है बेटा, 5। ठीक, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमने निकाल दिया। अब हमें थोड़ा सा इरेज करना है, इनको इरेज कर, इनको उतारने के बाद कॉपी कर लेना, उसके बाद इरेज मैंने कर लिया है। अब देखो, नाउ एक तरफ मैं लिखूँगा 1 - 10² है, इधर है 1 + 10² है, और इस तरफ हमें लिखना है, दोनों तरफ सॉल्व करना है, देखना है कि दोनों तरफ इक्वल आता है या नहीं आता है। अब मैं वैल्यू पुट अप करूँगा, 10 की वैल्यू है 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी वही है, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरफ कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन की वैल्यू 3/5 थी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी वही आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा। 4 का 16, 5 का 25 स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे हम, अब देखिए बेटा, आगे जब हम सॉल्व करेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 16 - 9। ठीक, यहाँ से वही आ जाएगा 16 + 9/16, और इधर क्या है, देखो दोनों के अपॉन में 25 है, तो एलसीएम तो 25 आ जाएगा, और जब नीचे सेम टू सेम होता है, ऊपर वैसे का वैसे होता है। इसके अपॉन में 16, इसके अपॉन में 16 कैंसिल, 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, और ये 16 + 9 कितना होगा, 25, 16 - 9 7, 25।
तो कह रहे हो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्व टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, और आंसर लिख दोगे यस ये ट्रू है, ठीक है, कि 1 - 10² / 1 + 10² किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर - साइन स्क्वायर के।